हाँ जी, फाइनली बड़ी खुशी का दिन आ गया। तकरीबन एक साल से ऊपर हो गया निखिल से मिले हुए। मेरा भांजा पहुंच रहा है विनीपैक से और हम जा रहे हैं। मैडम इफ यू कैन प्लीज ड्राइव, आई एम वेरी एक्साइटेड। और जैसे ही निखिल आने लगता है ना, तो उसी के बाद मेरे दिमाग में ख्याल आने लगते हैं वो मोटर होम के जो कि पीछे पड़ा हुआ है। देखते हैं क्या कर सकते हैं और बाबू जी को जरा पिक किया जाए और कैसे इतनी लंबी उनको ब्रेक मिली है। अभी उसके बारे में भी आपको बताता हूँ उसकी जॉब का क्या सीन हुआ है। भाई की फ्लाइट चली लेट, 1 बजे लैंड होनी थी मगर पहुंच गई है जल्दी 12:30, इसलिए फटाफट भाग भाग के जा रहे हैं। क्विक। लो जी डालो, ये देखो हम कितने हेल्दी हो गए हैं। योगा मैट लिए हुए हैं, 10 दिन हो गए आज तक पन्नी नहीं उतरी। हेलो मैम, हाउ आर यू? गुड, यू? इट्स गुड टू सी यू। थैंक यू। इट्स बीन अ व्हाइल। गुड। 1 ईयर रफली, 1 ईयर जुलाई में था पिछली बार मोटर होम जब लेने गए थे, सितंबर शादी पे। ओ ही फॉरगॉट अबाउट, मैं तो भूल ही गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ओकेजन शादी को भी 1 साल होने वाला है। ऑलमोस्ट 1 ईयर टू आवर मैरिज आल्सो, नो सितंबर। या यू आस्क्ड मी डे बिफोर यस्टरडे, सो ओके, सितंबर 18। आइए सर, लिमोजिन में आपका स्वागत है। ओके गाइस, लेट्स गो। सिकुड़ जाइए। हाँ भाई निखिल, क्या खाएगा? क्योंकि मैंने तो उसको बता दिया था, मैंने कहा देख निखिल ये खाएगा, मगर ये कह रहे तेरा वो खाने का मन है इसलिए यू विल इन्फ्लुएंस हिज थॉट। सो आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। लेट मी गेस, आपने क्या कहा होगा? नहीं, डोंट गेस दैट। नो, यू टेल व्हाट यू वांट टू ईट। आई डोंट वांट टू इन्फ्लुएंस। आई कैन गेस वेरी इजीली व्हाट यू वांट टू ईट। यू वांट टू ईट शवारवा। सी आई टोल्ड यू, एंड आई कैन आल्सो ईट शवारवा। नहीं, यू कैन। नहीं, आई वांट टू ईट शवारवा। See, you I told to? You. Aray, this is the best shawarma in the world. I knew when he come here, first thing he would want oh to eat shawarma. That's a big steak, man. Bhai, bahut badi. No, last time I came, I had the shawarma as my first meal. Yeah. Last time I came. It is a tradition. जब भी ऑटो आता है या कोई भी ऑटो आता है, सबसे पहले हम शवरमे वाली दुकान पे ही जाते हैं, वहीं जा रहे हैं खाने के लिए। ठीक है, ओके ओके। See, I told you. I won. ऐसा ट्रक दिखता तो ऐसा लगता है अंगद सिंह जा रहा है। Yeah, I have the card. हम जा रहे हैं शवरमा पैक कराने के लिए, मैडम जा रही हैं ग्रोसरी लेने के लिए। Doll, get some bug spray because we need it for our next project. निखिल जी का रैप आ गया है, ये भी तकरीबन $13 के आसपास है और मेरी सैलड आ गई है $15-16 के आसपास। दोनों मिला के $31 के आए हैं और आज से 1.5 साल पहले ये दोनों आइटमें $22-23 की आ जाती थी। बड़ा ब्रेड बहुत बढ़ गए हैं हर चीज़ के। घर पहुंच गए जी, मैं भी नहा धो के फ्रेश हो गया हूँ और बाबू जी ने भी बात ले लिया, क्योंकि फ्लाइट से आओ तो भाई जर्म्स बड़े होते हैं, बंदा कहता है कि सबसे पहले आके नहा के फ्रेश हो जाए। बाकी आपको ये तो पता ही है कि पिछले 1.5 साल से हमारी प्रोटीन की सप्लाई पूरी हो रही है माई प्रोटीन के प्रोडक्ट से, फिर वो चाहे बार्स हो, चाहे वो ब्राउनीज हो, चाहे फिर वो प्रोटीन शेक्स हो जो हम अपना स्मूदीज वगैरह बना के पाउडर की फॉर्म में जो है ले लेते हैं। मगर इस बार हमें बाबू जी कमाल कर दिया है, जबरदस्त केवेंटर के साथ मिलके एक फ्लेवर आया है इसका, चॉकलेट हेजलनट, सुपर अमेजिंग। और अगर आप मेरे ब्लॉग्स रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि अपने सबसे खास फ्रेंड्स हर्षित और आयुषी दोनों को मैं एक एक पैकेट दे के आया था और इस बार मैं साथ ले आया हूँ, एक अपने लिए और एक बाबू जी के लिए, क्योंकि मुझे पता था इन्होंने तो आना ही है। फिर हम आगे छोटी मोटी अगर ट्रिप लगाते हैं तो दोनों वर्कआउट शर्टआउट भी साथ करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा आजकल फिटनेस रिजीम भी चल रहा है। और बाबू जी अभी ट्राई करो ना, स्वाद आकर हमारा नाम लो। बाकी मेरे तो पर्सनली ड्रीम कम ट्रू वाली बात होगी, क्योंकि हेजलनट मेरे को बड़ा पसंद है। गोलू भैया याद है अपने,
तो हमारे कजन है, उनकी जॉब लगी थी, उनको ना कंपनी स्विट्जरलैंड जैसी कंट्री में भेजा करती थी प्रोजेक्ट पे, कभी स्विट्जरलैंड आइसलैंड, तो वो स्विट्जरलैंड से आते थे तो मान ले चॉकलेट लेके आते थे जिसके अंदर सॉलिड हेजलनट के चंक्स होते थे। मैं 9 साल का हुआ जब मैंने पहली बार खाई, और इंडिया में तो आपको पता ज्यादा फेमस ड्राई फ्रूट के अंदर काजू किशमिश बादाम ये चीजें आती हैं, तो मैंने पहली बार ट्राई की थी। उसी टाइम मैंने मूड बना लिया कि भाई साहब जिंदगी में एक बार अगर कामयाब होगा ना तो स्विट्जरलैंड जाके हेजलनट वाली चॉकलेट जरूर लेके आनी है, और आप लोगों की दया कृपा रही तो वो सपना भी पूरा हो गया, स्विट्जरलैंड में चलेगा। सबसे पहली माल मैंने वहां से स्विस चॉकलेट हेजलनट खरीदी क्योंकि भाई साहब इसका जो टोस्टी और नटी फ्लेवर होता है ना हेजलनट का, वो किसी भी चीज के टेस्ट को और एनहांस कर देता है। और अब ये क्योंकि अब चॉकलेट प्रोटीन शेक के अंदर आ गया तो दिस सेपरेट्स इट फ्रॉम ऑल एनी अदर एवरीडे चॉकलेट फ्लेवर जो भी शेक्स में आता है, तो दिस इज लाइक रियली नाइस। और अगर आप भी चाहें तो अपने दिन की हेल्दी और टेस्टी शुरुआत कर सकते हैं माय प्रोटीन के प्रोडक्ट्स के साथ, पर्टिकुलरली ये जो केवेंटर्स के साथ मिलकर उन्होंने चॉकलेट हेजलनट फ्लेवर बनाया है। और अगर आप मेरा कोड TDFamily यूज करते हैं इनकी वेबसाइट पर जाके कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, तो पूरी वेबसाइट पर अप टू 25% डिस्काउंट लगा हुआ जो आपको मिल जाएगा इंक्लूडिंग ऑन दिस अमेजिंग फ्लेवर। कैसा भाई? बहुत टेस्टी है, मैं तो बहुत टेस्टी है, हाईली हाईली रिकमेंडेड जी। माय प्रोटीन तो है ही, बट ये फिट सिप ऑफ नटी गुडनेस जो है ना चॉकलेट हेजलनट फ्लेवर, इसको तो स्पेशल रिकमेंडेशन है। देखो जी, आगे मिस्टर निखिल थके हुए थे क्योंकि इनको आजकल रात को लेट सोने की आदत हो गई है, क्योंकि अभी आजकल जॉब पे नहीं जा रहा ना, तो इसलिए आते ही बाबूजी सो गए, तो अभी उठे हैं, तो अब टाइम हो गया है हमारे जाने का, क्योंकि भाई राखी आ गई है तो इसीलिए राखी बंधवानी है। मैडम तो फुल इंडियन गेयर में अपना डेक डप तैयार है, मेरे पास है नहीं तो मैं वहीं भाई पे जाके मांग के पहनूंगा कुछ ना कुछ, और निखिल इमरजेंसी में आया तो उसको भी नहीं आया, बट जितनी हम अब देश से बाहर हैं तो भैया वाइब और फील लेनी तो बनती है, प्लस बहनों ने इतनी प्यार से राखी भेजी थी मेरे लिए भी, सनी के लिए भी, निखिल के पास भी कुरियर आया हुआ है, तो वो हम अपनी भाभी से बंधवाएंगे। हाँ जी पहुंच गए, माता जी तो बाहर ही बैठी हैं पैरे पे। हाँ जी क्या चक्कर है माता जी? ओ तुसी ना फुल फर्स्ट क्लास मम्मी, राखी वाइब में त्योहार बनाने के लिए बैठी हूँ। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वो देखो 9 भी आई है, थोड़ी तैयार हो गई। निखिल पहुंच गया। हाँ कैसा बच्चू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सही है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सेट है बिल्कुल बिल्कुल। आई नो रानी सर, लुकिंग ब्यूटीफुल, आई लव दिस कलर, यू आल्सो। दोनों गंगा जमुना एक दूसरे की तारीफ कर रही हैं। नहीं मैं तो सूट पे आज, यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर बैक। निखिल यू आर लुकिंग सो हैंडसम यार। यार आई विश आई कुड से द सेम अबाउट यू। नो गो बड़े ने बजाओ कैंटी सदो। किथे वीर जी बड़े हैं? आज अंदर ही है, उनका ऑफिस अभी खत्म हुआ है। हां थोड़ा खड़ूस मूड में होगा वो जिस दिन उसका ऑफिस होता है ना। शहरी की भी थोड़ी तबीयत ढीली है। अच्छा नाउ ये पहले कौन? स्टॉप दिस गेट फाइट, स्टॉप दिस गेट फाइट। क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम तो होता है कुछ बढ़िया खिलाओ पिलाओ। अच्छा बढ़िया खिलाओ, ऐसे ऐसे नहीं होता। फिर क्या गरम समोसे खाओगे? ना भी समोसे नहीं खाएंगे हम। फिर क्या खाओगे? ये देखो रिश्वत मांग रहा आते ही पहले ही। और यार बेचारों का आज इनका मतलब क्योंकि वर्किंग डे है ना यहाँ पे, तो सुबह से लेके शाम तक इन्होंने काम किया, हम भी राखी के लिए शाम के टाइम ही आए हैं कि इनका ऑफिस खत्म हो जाए, तो शाम को भी पूरे दिन काम करके बंदे की थोड़ी एनर्जी लेवल तो लो होता ही है, तो थोड़ा सा अभी ये आराम कर रहे हैं। फिर जरा हम गेटअप में कब आएंगे? गेटअप में कब आएंगे? हाँ सनी मेरा गेटअप तैयार है तेरा, मेरे पास थोड़ी गेटअप कोई। मम्मी मेरा तो एक ही कुर्ता पजामा यहाँ पे पड़ा। मैंने कहा था इसको हम निकाल देंगे। अच्छा ठीक है, कड़ो कड़ो निकाल देंगे। ओके वो तो गए ऊपर कपड़े पहनने अपने इंडियन, आप भी देखने जरा हैं।
ओए होए माल तो निकल आया, ये तो मेरे कुर्ते हैं फर्स्ट क्लास जो मेरे को आज बिल्कुल फिट नहीं आएंगे, तेरे को आ जाएंगे। ये ट्राई कर, मगर जब मैंने ये सिलवाया था मैं तेरे से भी पतला था। है बहुत बढ़िया भाई साहब, ये 8000 रुपए का सिल्क का कुर्ता है, प्योर प्योर तो नहीं होगी 8000 में, मगर 8000 का कुर्ता कुर्ता है। 4-5 साल पहले 8000 का था, तो 4-5 साल 7 साल पुराना है, मैंने एक दो बार ही पहना है सिर्फ। इसके साथ ही वो भी होगी मम्मी, ब्लैक वास्केट वेलवेट टाइप वाले कपड़े की, वो इंडिया होगी। इंडिया होगी, अच्छा अच्छा, चलो चलो ट्राई करो ट्राई करो। क्या भाई ये मेरे बच्चों को पूरी आएगी अब भाई, तो जच गया एकदम, ये बास्केट नहीं आएगी मगर पूरी, इसको मम्मी कहाँ से आएगी? अगर आ गई तो इसका मतलब ये उतना पतला हो गया जो मैं आज से 7 साल पहले था। पहन के देखा बनकर, नहीं होती नहीं, मतलब ही नहीं। हाँ अब वैसे भी इसके साथ जच नहीं, अरे मैं ऐसे ठीक हूँ भाई, अरे कुर्ता तो ऐसे है जैसे बना ही तेरे लिए हो भाई, एकदम कस्टम प्रेस। मम्मी पंजाब के कौन से पिंड से सिलवाया था हमने? मोगा से। हाँ हाँ हाँ, मोगा नहीं, मोगा के साथ दोराहा, दोराहा हाँ, दोराहा दोराहा करके पेंट है। मुझे लगा तो पिंकी के पेंट से सिलवा। हाँ जी, हमने भी पहन लिया है अपना फर्स्ट क्लास, क्योंकि ये मेरे भाई का कुर्ता है, तो आप समझ सकते हैं इसे थोड़ा सा अतरंगी रंग का भी है, भाई को पसंद है, मगर जज गया डॉल। हाउ डू आई लुक? ओह वाओ, व्हाट अ फेक वाओ, है ना, नकली था ना, नकली था बिल्कुल नकली। You look great. I'm just not sure about that color on you. Yeah? Yeah. But this is the best I can have, so it's okay. No, it looks good. It looks good. Now it doesn't matter. ये तुम्हारा इंडिया वाला सामान आया जो मंजू दीदी और गुड़िया दीदी ने भेजा। अच्छा ठीक है, ठीक है। और निखिल तेरी राखी भी भेजी है ईशा ने। हाँ जी हाँ जी, ये आपका पाउच है, निखिल का सामान है वो वाला। थैंक यू। और यहाँ और भी है शायद, लिफाफे आए हैं, डॉलर आए हैं, डॉलर। हैप्पी राखी मनी, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड, मे गॉड फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स। दिस इज फ्रॉम मंजू दीदी, this is for sunny from manju didi, aur ye gudiya ka hai, gudiya didi ka, happy rakhi sunny and money, god bless you, love and hugs to cherry and sandra from gudiya didi, ye aapki mummy ka। oh dollar nikal rahe hain, dollar chupa lo, baad mein milenge। acha ये कहाँ से आई, रिया ने भेजी है? रिचा दीदी ने। हम बैठ हो गए टेबल पे, यहाँ पे आके बैठा। आ गया पिंड दा चौधरी, चौधरी जरनैल सिंह। हाँ हाँ, गंडासा ले ले बस, एक बिल्कुल चौधरी है। हाँ जी, टाइम लगता तैयार होने में। वो तेरी मैडम का माल इकट्ठा है। यस, डू यू थिंक इट विल मैच? आई हैवंट ट्राइड देम येट। ओह ओह यस 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 यस। चलो जी, मुहूर्त का टाइम आ गया है, ले भाई निखिल खोलो ये निखिल, दो यहाँ पर जाइए बना के रखना, ये निखिल की ये वाली है मम्मा, ये भी है ये ना, वो तो गिफ्ट है राखी, इसमें है ये कैसी राखी है? अच्छा इन्हें राखी नहीं, इसमें केसर वगैरह होगा क्या है, इसमें देखते हैं। जो होती है ना लाइट जलने वाली, ओ यार मैंने चाची को वही बोला था, वही चाहिए थी लाइट जलने वाली राखी। हाँ मैंने लव हैरी के लिए ली थी, मेरे को भी बड़ी पसंद है राखियां, तो किसी पे ही मैन बना हो, किसी पे बंदूक, मैं बंदूक वाली राखी मांगता था स्पेशल छोटे होते हुए, मंजू दीदी से कहीं ना कहीं मेरी राखी से बंदूक जरूर होती। Is this your first time tying a Rakhi doll? Yes. How long does Nikhil have to keep it? Yeah, that's up to Nikhil. Yeah. Yeah. It's there is nothing mandatory in the law. Now you have the right to ask Nikhil for a gift. Yeah? Yeah. Please take your uncle on vacation somewhere. I'm sorry, I cannot do that from my side. Sorry. No. Deschiamo. Chocolate italien. Oh, very tasty. Chal. Very tasty. Sare khao. Very tasty. Aur bhi hai. Sandra khilayegi. Okay. Happy birthday.
But we need to do with your brother first, no? Yes. Yes, you need to because you can only be the person who can tie the Rakhi to my brother. Yeah. Because only sisters can tie Rakhi. Okay, okay. And then it's your turn. Yes, yeah. Then my turn, then you cannot tie me, then my sister-in-law will tie me Rakhi. Yes. Okay. Very good, very good. Chalo, let's do for Sunny. Okay, perfect for mark. The second sister now. Yeah. Yay! No, 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 no. From this finger. अरे नॉट ऑन द स्वूश या ओके नाउ यू नीड टू स्टिक सम स्टिकी राइस यस कहां स्टिक होंगे राइस नीड्स टू होल्ड ऑन दिस थिंग ओके 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 ये तो नाखून में बस आई है कोई नहीं अरे स्टिक इट नो आई डोंट हैव एनी लेफ्ट अरे पुट इट ऑन योर फिंगर ओनली नॉट ऑन योर नेल्स या दैट्स हाउ यू डू इट बड़ा सुंदर लग गया बहुत बढ़िया लगा ठीक है अरे तो मैच कर गई मेरे कुर्ते के कलर के साथ आई लाइक इट दूसरी वाली भी इसको बना देती है ये वाले कलर वाली थैंक यू बहनों को बहुत सारा प्यार दूसरी बहन का बहनों चक्कर लगाओ यहाँ पे हाँ जल्दी आए बहन है हमारी टिक्का पहले मीठा खिलाओ यार सबसे पहले टिक्का सबसे ज्यादा जल्दी हो रही है टिक्का को हाँ कितना बड़ा लगाओ इसको देख इसको देख इसको देख लेट गया मैं चॉकलेट चेकी जानी है जैसे ही as soon as I'm out of camera पीछे हो गई चॉकलेट मुंह में डाल दिया इसको मैं वैसे टिक लाने से मम्मी फोन खोलती है ना मम्मी फोन अनलॉक कर दिया एंड्रॉइड है ना कैसे करते हैं ऐसे अरे मैंने कैसे हाथ पड़े ऐसे कर दिया ऐसे नहीं ऐसे होते हैं ऐसे ऐसे मुड़े से मेरे को ऐसे निकालना चाहिए अनलॉक कर दो इसको चावल भी आ गया आ गया मुझे आज तक भी ये समझ नहीं आया कि टिक्का लगाते हो हाथियों क्यों जाता है मम्मी ताने मारती है मोटा होने ये तो पहले कैसे पेट अंदर खींच के बैठो पूरा निकालू ऐसा कस जा रहा है दोनों भाइयों को डॉलर है डॉलर ये मंजू दीदी ने भेजे अमेरिकन डॉलर है यूएस से चलो कपड़े लेके आते हैं सारा ठीक है ओके यूएस से सुबह सुबह का टाइम होगा जो इंडिया में तो अभी इस टाइम ओ तेरी मैं तो अब देखा टीका यार अगला गारी करिए तो इसलिए मैं अभी बहनों को वीडियो कॉल नहीं कर सकते रात के यहाँ पे 11:30-12 बज जाएंगे तो वहाँ सुबह के 10 होंगे तो फिर करेंगे फोन है ना ऐसे ही बंदा देश के बाहर होता है ना तो और ज्यादा इमोशंस और ज्यादा फीलिंग्स आती हैं वो चीज़ों में पार्टिसिपेट करने में जो हमारे कल्चर या देश से जुड़ी हुई हैं बाकी आप लोग भी हमारी खुशियों में शामिल हुए उसके लिए बड़ा शुक्रगुजार हूँ थैंक यू सो वेरी मच और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकॉन थैंक यू सो मच फॉर